हेलो गाइस, तो मैं आज वीडियो लाया हूँ WW2K19 के गेम प्ले के ऊपर। वैसे तो एक टॉपिक काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो को मतलब आप डिसलाइक मत करना। फनी गेम प्ले है, थोड़ा फन के लिए बनाया गेम प्ले हमने। तो इस गेम प्ले में दीपक कलार और जोगिंदर कैरी मिनाटी और ट्रिगर इंसान को हमने इंक्लूड किया है, और हमने इसे फनी गेम प्ले रखा है थोड़ा, ताकि कोई ऑफेंड ना हो। भले ही टॉपिक पुराना हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये गेम प्ले इंजॉय करोगे और हमें ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। तो एंजॉय द गेम प्ले। जोगिंदर वर्सेस कैरी वर्सेस ट्रिगर इंसान और दीपक कलाल जी के साथ लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर तो मैच स्टार्ट भी हो गया है। हम थोड़े लेट कमेंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पर जोगिंदर ने लपक लिया है कैरी को। कैरी भैया यहाँ पर फुल दंगल वाले पोज में, और ये उठा गया, पटक दिया कैरी को। ये ट्रिगर भैया इतना खुश क्यों हो रहा है? कैरी भैया पिटरेन की टीम के, और ये खुश हो रहे हैं, बताओ। और एक बार गाइस, आप इसके दीपक कलाल भैया जी के, भैया जी तो नहीं कहेंगे, बने क्या ही है ये, तो इनके एक बार आप कपड़े देखिए, क्या कपड़े पहन के आए हैं? वाह वाह। और यहाँ पर कैरी छपरी यूट्यूबर, आजा बवंडर ला दिया ना, देख ले स्टेज में क्या कहता, हमने सामने आ जाइयो, ऐसा जोगिंदर कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, डर गए हैं वो। और यहाँ पर कैरी कुछ कर लो, कैरी भैया नाम दोबारा यूट्यूबर्स का, उठ के मारो बे, क्या कर रहे हो? नहीं लड़ा जा रहा तो ट्रिगर्ड हो या दीपक कलाल से तो लड़ाई नहीं जाएगा, तो और पिटेगा उससे जाके, क्या नाम है उसको, भेज दे या तो यार। कैरी भैया आपसे नहीं होने वाला, ये ट्रिगर्ड भैया अलग ही खुश हो रहे हैं अपने, मस्त मगन है भैया। आओ ट्रिगर्ड भैया के सामने मारो, लो भाई क्या कर लोगे तुम्हें, ये लो, ये उठा उठा के पटक रहे हैं भाई साहब। कैरी भैया आज अब लग रहा है 2-3 दिन तक कभी उठ नहीं पाएंगे। उठ गए। और ओबे भाई जोगिंदर को ऐसे गुदगुदी करके घेरा, भाई देख लो, मतलब एक वार करो और ऐसा करो कि 10 के बराबर हो, गुदगुदी करके भेज दो अंदर बंदे को। और यहाँ पर हम अंदर गए, और कैरी, ओए दीपक कलाल तुझे क्या खुजली हो रही है? ले एक एक तीर से दो निशाने, ऐसे कहते हैं गाइस। दीपक कलाल के टकले पे मारा, कैरी भैया के भी मारा, और यहाँ पर पिंक कर दिया है दोनों को। वाह, मतलब इनको, कैरी भैया को। और यहाँ पर थारा भाई जोगिंदर जीतते हुए गाइस। और गाइस अभी एक दो मैच और होने वाले हैं दोनों के बीच, तो देखते हैं को और दो इनमें से जो टॉप टू विनर्स हो, मतलब दो राउंड जो जीतेंगे वो जीत जाएंगे गाइस। तो एक और रीमैच करते हैं इन दोनों का, मतलब इन चारों का, क्योंकि अभी ट्रिगर भैया का तो खेलने का मौका ही नहीं मिला गाइस। और यहाँ पर फिर कैरी भैया, कैरी भैया किसी और को टैग वैग दे दो, क्या कर क्या रहे हो आप, हैं कर क्या रहे हो? बे खाली पकड़ के रखेगा भी कुछ करेगा? कैरी भैया तो तुम बोर कर रहे हो यार, मतलब खाली पिट रहे हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, हैं खाली पिटने का ही काम है क्या है, बताओ यार। वो दीपक कलाल भी ताली बजा रहे हैं, बताओ। और यहाँ पर एक और बार पिंग, ओके यहाँ पर छोड़ दिया है इन्हें, और इनको फिर उठा के पटक दिया, फिर यहाँ पर फिर छुटा लिया है कैरी ने, फिर उठाया यहाँ पर और फिर फेंका। भाई कैरी भैया थोड़ा दिमाग लगा लो थोड़ी। जोगिंदर और यहाँ पर कैरी भैया दोनों दंगल पोज में, फिर ओ ले क्या क्या मारा है कैरी भैया ने, क्या भूसा मारे कैरी भैया, पिंग विंग कर देते, ओ ले खत्म कैरी भैया, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, अब आपसे खड़े नहीं होने वाले। बेइज्जती हो रही है कमेंटेटर, गया मेरे को कमेंट्री, और तेरी क्या पटका है, अभी कैरी भैया आ गए फॉर्म में, अब कैरी भैया पीटेंगे। अबे तेरी पिंग कर दिया और यहाँ पर छुटा दिया है, छोड़ दिया है, मतलब लग रहा है कैरी भैया कह रहे थे कि अभी और पीटूंगा रुक जा, और पीटने लगे वापसी, कह रहे कि रुक जा अभी तूने बहुत पीटा, तेरे से बदला लूंगा अभी। कैरी भैया थोड़ा दूसरों को भी चांस देने का कष्ट उठाएंगे आप, या अकेले सारी मार खाओगे? दीपक कलाल पे भी थोड़ा हाथ वाथ साफ करना है जोगिंदर को। अच्छा खासा उस टाइम जीते थे, पिंग कर देते, नहीं हम तो पीटेंगे और भी। यहाँ पर उठा उठा के फेंक फेंक के मार रहे हैं जोगिंदर जी। रेफरी तू बीच में मत आ, तुझे भी मारूंगा समझा, और ये जो ताली बजा रहा है ना उसको भी मारूंगा, सबको मारूंगा, ऐसा जोगिंदर कह रहा है। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो कमेंटेटर हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, जोगिंदर गंदा इंसान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी ऑडियंस कह रही है।
ये लो भाई, कैरी भैया खत्म यहाँ पर भाई। गाइस कैरी भैया ये लो खत्म यहाँ पर, दोनों के दोनों दंगल पोज में। और यहाँ पर कैरी ने उठा के पटक दिया जोगिंदर को, जोगिंदर यहाँ पर सपाट। और ट्रिगर भैया आ गए हैं मैदान के अंदर, देखते हैं ट्रिगर भैया क्या करते हैं। आते ही उठा के फेंक दिया भाई जोगिंदर को। अब लग रहा है खत्म, जोगिंदर खत्म भैया गोन, जोगिंदर भैया गोन भाई। नीचे से सामान वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे क्या, क्योंकि अपने गाने में कहा था उन्होंने हथौड़ा दो इनकी टांगे में तोड़ूंगा। कहते यहाँ पर सही में टांगे तोड़ने के लिए हथौड़ा ढूंढ रहे थे जो कि मिला नहीं। और यहाँ पर ट्रिगर भैया को फेंक दिया उठा के, और यहाँ पर ट्रिगर भैया को उठाया फिर पकड़ा, फिर अब वापसी फेंकने की कोशिश में भी, और उठा के क्या भाई जोगिंदर मैदे खेल रहे जैसे कि कोई बच्चा हो सामने, उठा उठा के फेंक रहा है सबको, सबको उठा उठा के फेंक रहा है। देखो क्या गंदा मार रहा है भाई, उठ जा उठ जा। ओहो दीपक कलाल माय फेवरेट सन, आओ बच्चे आओ। बहुत औरत तेरी गुदगुदी करता है, शर्म नहीं आती है। अबे भाई साहब तू मार कैसे रहे है? ओ ओ अबे तेरी दीपक कलाल टकले भाई साहब, जोगिंदर का तो बैंड बजा दिया दीपक कलाल ने, गाइस यहाँ पर भूत बना दिया उसका। और लेट्स गो, यहाँ पर पिंग हो गया है 1 2 3। और ये दीपक कलाल ने जितवा दिया मैच, अब सेकंड राउंड होने वाला है। दीपक कलाल बड़े खुश होते हुए कह रहे कि वाह जितवा दिया मैंने मैच, लगा नहीं था भाई साहब। सबके सब आगे लाइन से पिट गए, पर दीपक कलाल भैया एक घूसा तक नहीं खाया भाई साहब, पकड़ के पेल दिया जोगिंदर ने जोगिंदर को। और तो यहाँ पर आप थोड़े हाईलाइट देख सकते हैं, क्या उठा उठा के पटका सबको, जोगिंदर भी उठ उठ के पटके। और क्या नाम है, ये देखिए भाई साहब दीपक कलाल ऐसे पीट रहा था जैसे कि रेसलिंग उसके खून खून में है, ऐसे पीट रहा है वो। और देखिए खुश कैसे हो रहे हैं, कह रही भैया जैसे उन्होंने मार के जितवाया हो। और ये अब चोरपंती आ गई है दीपक कलाल में, अब कोई फालतू नहीं बोलेगा, पीट दिया उनने अकेले। अब देखते हैं वापसी मैच शुरू हुआ है, ये लास्ट राउंड है, इस राउंड में जो जीतता है वो। अबे शुरू में दीपक कलाल आ गया भाई, जोगिंदर डर के मारे पहले भागने लगा भाई, पहले पीट के गया ये फिर पीट देगा, लो पटक दिया उठा के जोगिंदर भाई साहब। जोगिंदर सही, जोगिंदर भैया हो क्या गया आपका प्रोटीन वोटीन से खत्म हो गया क्या यार, इतनी बॉडी वोडी किस लिए बनाई देख रहे हो, फेल के जा रहे हैं आपको दीपक कलाल जैसा इंसान, क्या कर रहे हो भाई। ओ नो व्हाट द हेल, पिंग कर दिया है वापसी। ओ लेट्स गो, यहाँ पर दीपक कलाल ने छोड़ दिया या तो छूट गया जो भी है। और यहाँ पर जोगिंदर खड़े होते हुए, और ट्रिगर को मार रहे, दीपक कलाल को नहीं मार पाए तो ट्रिगर को यहाँ पर थोड़ा बोलने आ जाते हैं, थारा भाई जोगिंदर बनाता हूँ। ये गाइस आज पहली बार दूसरे के छाती में मारने थे, मारने के जब मतलब अपने छाती के जब मारने के जब दूसरे के छाती में आज पहली बार पिटते हुए देखा। वो दीपक कलाल तुझे के नशे हो रहे। अबे ट्रिगर को नहीं मारना बे, दीपक को मारना है, क्या कर क्या रहा है जोगिंदर, कर क्या रहे हो। ओ दीपक कलाल तो बड़ा खुश हो रहा है कश्मीर की परी व्हाट तो यहाँ पर खुश होते हुए। ओहो ऑडियंस तो मस्त खुश हो रही है। अब दीपक कलाल भाई साहब पेल बड़ा गंदा रहा है, कुछ भी कहो भाई, मैं सोचा कि दीपक कलाल सबसे ज्यादा पिटने वाला है मैच में, और भाई पकड़ पकड़ के पीट रहा है, छोड़ ही नहीं रहा भाई, जोगिंदर को 1 सेकंड के लिए खड़ा होने का मौका ही नहीं दे रहा है भाई। और यहाँ पर फिर वापसी पिंक कर दिया है, और यहाँ पर इसी के साथ दीपक कलाल ने जितवा दिया है मैच, और मैच के विनर हैं। अफसोस बोलते हुए खुशी भी हो रही है, दुखी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जोगिंदर के लिए दुख है और इनके लिए खुशी है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जोगिंदर दीपक कलाल से हार गए, इतना गंदा पीटे छी। तो जोगिंदर तुम कोई काम के नहीं निकले यार, बॉडी सोडी बनाई छाती इतनी चौड़ी, जब भी पिट गए यार तुम। एक तो गुदगुदी की कह रही भैया ने पहले पिछली बार, तो यार गाइस डेस्टिक टू रेट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक के लाइक कर दीजिए यहाँ पर कैरी ट्रेगर और दीपक कलाल के लिए, और जोगिंदर के लिए भी कर देना, और कमेंट भी होते तो कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बता दो,
और हम ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, बाय बाय।